एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजू। और सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक गलियारे की। बिहार की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। जानकारी के अनुसार नवादा से एलजेपी सांसद चंदन सिंह ने सीएम नीतीश से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद कयासों का दौर लगना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि चंदन सिंह ने सीएम नीतीश से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर मुलाकात की है। आपको यह भी बता दें कि नीतीश कुमार बीएसपी के एकमात्र विधायक को अपनी पार्टी में पहले ही शामिल करा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब उनकी नजर एलजेपी के नेताओं पर भी है। खबर यह भी है कि एलजेपी के बाहुबली नेता सूरज भान सिंह पहले ही नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। अब उनके भाई और सांसद चंदन सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इसको लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। सम्मानित सांसद हैं चंदन सिंह जी, पार्टी के सम्मानित सांसद हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिले होंगे। इसमें कौन सा नया बात हो गया? और इसमें कोई सियासी कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरी चंदन सिंह जी पार्टी के सम्मानित सांसद हैं और तो नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद एलजेपी सांसद चंदन कुमार के मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अटकलों का जो दौर है, बाजार है, वो काफी गर्म है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एलजेपी नेता और प्रवक्ता कृष्ण कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन न्यूज में। जी नमस्कार। कृष्ण कुमार जी, इस मुलाकात को आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी के सांसद हैं चंदन सिंह जी और अपनी क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री जी से अगर मुलाकात करते हैं तो इसमें कहीं सोचने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये मीडिया में जो सूत्र है वैसा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूर्ण भरोसा अपने सांसद पे कि ऐसा कोई बात नहीं है जिसके वजह से लोगों की अटकलें तेज हो रही है। अटकलें तेज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जेडीयू के नेता और विपक्ष भी दबी जबान से तो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह बीएसपी के विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं एलजेपी नेताओं को भी जेडीयू में शामिल कराने की कवायद जारी है। नहीं, मैं इसको खंडन करता हूँ और अपने क्षेत्र की, अपनी जनता की समस्या को लेकर अगर देखिए 243 विधायक होते हैं बिहार विधानसभा में जी। और जितने भी 40 सांसद होते हैं, अगर सबके सब अगर अपनी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी से अगर मिलते हैं और किसी समस्याओं को लेकर के पत्र के माध्यम से या मिलकर अवगत कराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उनके दल में जाने का प्रयास करें या उनके दल में जा रहे हैं। इसको हम सिरे से खारिज करता हूँ और कहीं ना कहीं चंदन सिंह जी हमारे बहुत महत्वपूर्ण सांसद हैं और बिहार यूथ के वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। क्या ये हम मान लें कि जिस तरह से जो अटकलें चल रही हैं जेडीयू में शामिल होने के बाद जो एलजेपी सांसद की तरफ से नहीं कही जा रही लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है, तो क्या ये खंडन करते हैं? ये नहीं होने वाला भविष्य में। मैं इसको सिरे से खंडन कर रहा हूँ और कुछ दिन पूर्व भी हमारे विधायक जो है मटिहानी की राजकुमार सिंह जी, वो भी कहीं ना कहीं अशोक चौधरी जी से मुलाकात की। उस समय भी लगा कि 2 से 3 दिन में जो है मटिहानी विधायक एलजेपी के जो सिंगल हैं वो जनता दल में शामिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि अगर किसी समस्याओं को लेकर के अगर माननीय मुख्यमंत्री से अगर मिलना हो तो ऐसा नहीं है कि उसको आप उसमें जाने को कह सकते हैं। इन सभी बातों को हम खारिज करता हूँ। सवाल यह भी है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि रामविलास पासवान जी की मौत के बाद एलजेपी में टूट भी है, कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी है कार्यकर्ताओं और नेताओं में आलाकमानों की तरफ से। नहीं, कुछ नहीं है। और जो पार्टी विरोधी जो लोग ये बात बोल रहे हैं, जो पार्टी विरोधी है वही ऐसा बोल रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को पार्टी ने निष्कासित किया है आजीवन सदस्य से। जिन लोगों को पार्टी ने निष्कासित किया उन लोगों ने ऐसा अटकलों के दौर लगा रहे हैं, अटकली की बातें कर रहे हैं कि पार्टी में टूट है। बहरहाल मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। ऐसी हमारी पार्टी में कोई बात नहीं है। हमारा पार्टी जो यूथ की पार्टी है, यूथ हमारी आइकोन जो है चिराग पासवान जी है और उनमें इतना दम है कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को जो लेकर निकला था और बिहार की तमाम 12 करोड़ आवाम का
आवाज बनकर जो उठे थे, कहीं ना कहीं बिहार की आवाम ने उन्हें 25 लाख जो मत देने का जो कार्य किया, आशीर्वाद जो दिया, कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी की लोकप्रियता को। एलजेपी में कोई टूट नहीं है, कहीं कोई नहीं जा रहा है, एलजेपी की जो गठजोड़ है वो बरकरार रहेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चिराग पासवान की लोकप्रियता को देखते हुए जनता दलियों के मुखिया घबरा चुके हैं, वो अनाप शनाप देख रहे, क्योंकि हमने जो है 71 से 43 पे हमने ला दिया। वो शेर का बच्चा है, और शेर का बच्चा जो होता है खुले में जो है अपना शिकार करता है, पर्दे के पीछे से नहीं शिकार करता। मैं स्पष्ट में बताना चाहता हूँ आपको। बहरहाल ये सियासी बातें हैं कृष्ण कुमार जी, तो शुक्रिया आपने नेशन न्यूज को वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जेडीयू से मुलाकात, नीतीश कुमार से मुलाकात की है चंदन सिंह ने, जो एलजेपी के सांसद है, और इस मुलाकात के बाद काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है, काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू लगातार दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी को मिलाने की कोशिश कर रहा है, शायद इसी में या आगे की कड़ी हो एलजेपी के सांसद को जेडीयू में मिलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एलजेपी के जो नेता प्रवक्ता हैं इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।